बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। सभी माताओं, बहनों, बहु बेटियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैकुंठ चतुर्दशी की कथा, जिसके सुनने मात्र से होंगे सभी पाप दूर और होंगे श्री हरि प्रसन्न, देंगे मन चाहा बर, धन्य धान्य वैभव यश पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करें बैकुंठ चतुर्दशी को। कथा इस प्रकार है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन हुआ था। जब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा में थे तो सब कार्यभार सृष्टि का भगवान शिव संभालते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो भगवान शिव सारे कार्य भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। उसी दिन को बैकुंठ चतुर्दशी कहा है। इस दिन थोड़ा भी पुण्य करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन उपवास रखा जाता है, श्री हरि की पूजा की जाती है, गंगा या नदी पर दीप दान किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपनी एक आँख निकाल कर भगवान शिव को अर्पण की थी। भगवान शिव प्रकट होकर और प्रसन्न होकर उन्हें नेत्र वापस कर दिए। भगवान विष्णु को इसलिए कमल नयन कहा जाता है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को दिया। ये दिन बैकुंठ चतुर्दशी कहलाया। इस प्रकार विष्णु भगवान और भगवान शिव का मिलन हुआ था। जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।